रामपुर आजम खां की बहू पहली बार आई कैमरे के सामने। सीतापुर जेल में आजम खां से मिलकर बोली, उन्हें फंसाया गया है। मेरे वालिद पूरी रात सो ना सके, मच्छर बहुत हैं जेल में। मेरी वालिदा की बहुत तबीयत खराब है, कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोर्ट में फैसला हमारे हक में होगा। झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, बदला लिया जा रहा है सरकार द्वारा। जी, क्या उन्होंने कहा? अच्छा लगा मिलके, काफ़ी महीनों में देखा। परिवार हैं, वालिद हैं मेरे, वालदा हैं। वालदा की काफ़ी तबीयत भी ख़राब रहती है, सभी को पता होगा, तकलीफ़ हो रही है बीबी की, लोगों को पीछे छोड़ के आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब सही होगा और कोर्ट का भी फैसला हमारे ही हक में आएगा, उम्मीद है। क्या लगता है कि जैसे पूरे परिवार पर जो FIRs वगैरह लिखी गई हैं बेबुनियाद है, झूठी हैं। रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी बिल्कुल भी, अचानक से कल पता चला, आए कल ही आए। क्या मुलाकात में क्या कहा जब खान? कुछ खास नहीं, तकलीफ हुई बहुत मिलके, बहुत तकलीफ हुई मिलके। देर रात उन्हें जेल में, हाँ तब परेशानी हुई, मच्छर थे। वालदा को बहुत कमर में तकलीफ रहती है, लास्ट ईयर ही उनके ऑपरेशन हुआ है, तो बैकबोन में काफ़ी तकलीफ है अभी भी उनके। खाने में क्या खाया था आजम खान साहब ने रात को, कुछ बताइए? वही जो खाना मिलता है यहाँ पे, जो मिलता होगा। जैसे उनकी तबीयत खराब है आजम खान जी की भी, और उनको डॉक्टर दवा दी जा रही है, कैसे क्या है? नहीं फिलहाल तो नहीं दी है कोई, लेकिन अब देखें क्या रहता है। आपका क्या कहना है? तकलीफ हुई है, क्या कह सकती हूँ, बस इतना ही कहूँगी। रात में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें कोर्ट ने भी तलब किया जेल अधीक्षक रामपुर को, इसके बारे में आपको कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल भी, कुछ नहीं पता था। बस जैसे ही पता चला भागते हुए रामपुर से यहाँ पे, कुछ नहीं पता था। शासन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें। दवा नहीं दी जा रही, आपका आरोप है कि दवा नहीं जा रही, आप क्या शासन और प्रशासन से मांग सकती? नहीं दवा दी जाए, उनका ध्यान रखा जाए, दोनों की काफ़ी एज है, उम्रदार लोग हैं। वालदा की काफ़ी कमर में अभी भी तकलीफ है, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है। मैं चाहती हूँ कि उनकी इस चीज़ को नज़र रखते हुए उनका ध्यान रखा जाए।